धीरे धीरे इसको हमने 20 साल में क्यों भाई 19 माह 20 साल में इतना टंडीला खड़ा कर पाया है। मैंने लोन लेके नहीं अपने मजदूरी का जो पाया जमा और कहीं हमने पूंजी बनाई पाई नहीं, मेरे पास ना गांव में कुछ बचा नहीं, यहाँ है अगर इसको ले लिया जाता है तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। पर बुलडोजर चलाना है तो इससे पहले मूरे परिवार को खड़ा करके सबको खत्म कर दिया जाए, फिर बुलडोजर मकान पर चला जाए, कोई बात नहीं। मन की तिरछी नजर है, अवैध को अवैध बना दे प्रशासन तो वो एक अलग चीज है। मकान से नहीं हटेंगे ना, बुलडोजर अपने ऊपर चलवा लेंगे, जब मकान पे चलाएंगे कहाँ जाएं हम लोग। आप जो बाबा घूम रहे हैं, हाथरस का कांड आपने देखा, हजारों लोग खत्म हो गए, उस बाबा पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? इन मासूम लोगों पे जो 30-30 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनके सपनों के आशियाना को तोड़ा जा रहा है। 4PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ क्षितिजकांत। अकबर नगर का आपने हाल देख लिया। अकबर नगर के बाद अब प्रशासन की नज़र पंत नगर पर, रहीम नगर पर है और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 700 से 800 मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। लाल निशान उसी तरीके से जैसे अकबर नगर पर लगाए गए थे, अकबर नगर में तमाम मकानों पर लगाए गए थे और लाल निशान एक तरीके से खतरे की घंटी भी है। लोग लगातार ये सोच रहे हैं आखिरकार प्रशासन करना क्या चाह रहा है। लोगों के हाथ में उनके पक्के रजिस्ट्री के कागजात हैं और बात सबसे बड़ी ये है कि आखिरकार प्रशासन की नज़र तिरछी इनके मकानों पर हुई क्यों। रिवर फ्रंट की बात होती है तो रिवर फ्रंट बनाने की बात और साथ ही साथ सौंदर्यीकरण की बात तो सौंदर्यीकरण में गरीबों की आशियाने क्यों तोड़े जाएंगे। बड़ी बात ये भी है आखिरकार प्रशासन की नज़र गरीबों के मकानों पर ही क्यों होती है, क्यों नहीं माफियाओं के मकान तोड़े जाते। संजय सेठ को लेकर के तमाम बार खबर 4PM न्यूज़ नेटवर्क पर चली है, आपने देखा तमाम सारे उनके जो बिल्डिंग्स हैं शालीमार वो अवैध बनी हैं, PWD की सड़क तक कब्जा कर ली गई, आरोप तमाम सारे लगे लेकिन कार्रवाई प्रशासन की नहीं हुई। हम इस समय पंत नगर में हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं, रजिस्ट्री के पेपर्स भी हाथ में हैं। नाम क्या हुआ भैया? सर्वेश कुमार शर्मा। रजिस्ट्री के पक्के कागजात हाथ में, उसके प्रशासन की तिरछी नजर। हमारे पिताजी क्या कह रहे हैं? परमानंद शर्मा, मेरे नाम रजिस्ट्री है 1985 की जी, और मैंने उसमें जमीन ली थी 89 से, गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले रहे, हाउस टैक्स हम 89 से जमा कर रहे हैं। 85 में जमीन हमने बनाई, 86 में खरीदे हैं, 85 में रजिस्ट्री हुई, 86 में बनाए, 87 में 88 हम यहाँ पर रह रहे हैं, 36 साल मुझे रहते हो गया यहाँ पर, और तब से हम 89 से हमसे हाउस टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। अच्छा, कभी जिंदगी में सोचे थे लाल निशान लगेगा, बुलडोजर आएगा? मेरे भैया ये अगर तब होता गवर्नमेंट ने, उस समय अगर ये जमीन ऐसी थी तो हमको रजिस्ट्री क्यों करी, रजिस्ट्री क्यों की गई? हमने इसको धीरे धीरे मजदूरी करके, हम कारपेंटरी काम करते हैं, धीरे धीरे इसको हमने 20 साल में क्यों भाई 19 माह 20 साल में इतना टंडीला खड़ा कर पाया है। मैंने लोन लेके नहीं अपने मजदूरी का जो पाया जमा और कहीं हमने पूंजी बनाई पाई नहीं, मेरे पास ना गाँव में कुछ बचा नहीं, यहाँ है अगर इसको ले लिया जाता है तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। अगर इसको आदमी तो सड़क पे आ जाएगा, सब आ जाए, अगर इसके ऊपर बुलडोजर चलाना है तो इससे पहले मूरे परिवार को खड़ा करके सबको खत्म कर दिया जाए, फिर बुलडोजर मकान पर चला जाए, कोई बात नहीं। देखिए ये दर्द है लोगों का, खुद कह रहे हैं कि इनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए फिर मकान पर। आप दूसरी जनरेशन, शायद तीसरी भी जनरेशन होगी, आपके बेटे भी होंगे, दादाजी फिर आप हैं, उसके बाद आपके बच्चे, 3 जनरेशन एक ही जगह पर, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई। इसके बाद कार्रवाई ये होगी कि सब लोग, हम सब इकट्ठे होके इनका खिलाफ करेंगे और इनको सड़क पे आना होगा, इनको सब यहाँ सड़क पे बुलाएंगे हम लोग, अगर नहीं आते तो इनकी कोई कार्रवाई पे हम साथ नहीं देंगे हम लोग। यहाँ पर लोगों ने यह भी बोला अगर मकान अवैध होंगे तो खुद ही तोड़ दिए जाएंगे, लेकिन सबके हाथ में पक्की रजिस्ट्री है, उस पर क्या करें? मानते हैं आज अवैध हो गया, वोट मांगने आते तो वैध था, हाउस टैक्स लेते तो वैध था, वो और आपका जो बिजली बिल जा रहा है ये सब वैध हो गया, अब कैसे अवैध हो गया ये बताइए हमें। अगर ये जो टैक्स लिए जाते हैं वो वैध कैसे, वोट वैध कैसे, ये मकान अवैध हो गए, बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। सर आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हम लोगों को 20 साल हो गए और ये जो है ये खेत के ऊपर मकान बने हुए हैं, से लिया है जो पहले वाले जी, तो ये है। खेत है, इसकी खसरा खेतौनी है यहाँ पे सबकी, लेकिन प्रशासन की तिरछी नज़र है। हाँ तो प्रशासन की तिरछी नज़र है, अवैध को अवैध बना दे प्रशासन तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे लोगों के हाथ में उनकी पक्की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री है यहाँ पे सबके पास, होगा क्या करेंगे आगे? आगे क्या करेंगे? आगे देखते हैं, नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे हम लोग, और क्या करेंगे, कोर्ट का रुख करेंगे। दूसरी बात ये, अगर कोर्ट भी अगर फेवर में नहीं आती है उस स्थिति में क्या करने जा रहे हैं? उस स्थिति में देखेंगे क्या करना है और आगे हमें, लेकिन प्लानिंग लंबी लड़ाई की सोच ली है। बिल्कुल, और क्या, देखिए लंबी लड़ाई की प्लानिंग कर दी है, लोग अभी भी रजिस्ट्रियां लिए हुए हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ?
समीना खातून। समीना जी कितने सालों से रह रही हैं? 30 साल हो गए। वो अभी प्रशासन की तिरछी नज़र आप लोगों के मकानों पर है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे मकान से नहीं हटेंगे, ना बुलडोजर अपने ऊपर चलवा लेंगे, जब मकान पे चलाएंगे कहाँ जाएं हम लोग। कभी जिंदगी में सोचा था ऐसा? नहीं सोचा था, ये तो परसों लगा के गए हैं। राड़ बेवा हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? क्या काम करते हैं आप लोग? हमारे बच्चे हैं, ये कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर हैं? हाँ, शौहर तो है नहीं, खत्म हो गए 12-13 साल हो गए। देखिए गरीबी में यहाँ पर जीवन यापन हो रहा है, कारपेंटर काम तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है, उसके बाद भी अगर मकान चला जाएगा तो किस तरीके से ज़िंदगी गुजरेगी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रितु अग्रवाल है। रितु जी यहाँ पे प्रशासन अकबर नगर के बाद अब रहीम नगर, फिर पंत नगर, इस तरीके से लगातार अपनी कार्यशैली बिल्कुल चेंज कर दिया है, पता नहीं चलता आगे क्या स्टेप होंगे। और बुलडोजर की कार्रवाई जब से सरकार उत्तर प्रदेश बनी है लगातार जारी है, मन में क्या आता है जब इस तरीके की कार्रवाई होती है? इस तरह की कार्रवाई होती है तो दिल में बहुत दर्द होता है। आप जो बाबा घूम रहे हैं, हाथरस का कांड आपने देखा, हजारों लोग खत्म हो गए, उस बाबा पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? इन मासूम लोगों पे जो 30-30 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनके सपनों के आशियाना को तोड़ा जा रहा है। जब ये राजनाथ जी के पास जाते हैं, राजनाथ जी बोलते हैं कि ये तो गलत कर रही है सरकार। जब आप ही का सांसद बोला है गलत कर रहा है तो क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्यों आप इस तरह से चुप हैं? फिर सोचिए, इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं, इनके पास रजिस्ट्री है। चलिए अकबर नगर की बात, चलिए वहाँ पे कुछ और था, रजिस्ट्री नहीं थी, लेकिन इनके पास पूरे सबूत हैं और हम लोग कोर्ट जाएंगे। अगर बुलडोजर चला तो सबसे आगे मैं खड़ी होंगी। देखिए ये लोगों की नाराज़गी है, लोगों की लड़ाइयों में लोग बाहर से भी आ रहे हैं, और बड़ी बात ये यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं, राजधानी लखनऊ में हम हैं इस समय, और पंत नगर में लोगों को पीछे तक के दिखाऊंगा तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इसी आस में कि ये वीडियो कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे और योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं सुनवाई करें इनके फेवर में। आखिर गरीबों के आशियाने क्यों तोड़े जा रहे हैं? मैम कब से रह रही हैं यहाँ पर? 30 साल से सर रह रहे हैं। और अब इस तरीके की कार्रवाई पर मन में क्या आता है? दिल आता है कि आप किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को जिताना ही नहीं है, और जाता है दिल की सब कुछ तोड़ फोड़ दे उन्हीं घर में जाकर जिन्होंने इस रजिस्ट्री, हम लोग को पता होता 30 साल पहले की ये चीज़ गलत है, गैर कानूनी, तो उनके ऊपर जाए ना पहले लेकर कि उन्होंने रजिस्ट्री में ओके क्यों किया, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगाई, क्यों लगाई, उनके घर पहले जाए, उनके घर तोड़े जाए, बाद में यहाँ पर आए ना। भैया मकान का टैक्स काहे लिया गया, बिजली का बिल काहे लिया गया, हाँ पानी का बिल काहे लिया गया, ये खंबा काहे गवर्नमेंट ने दिया, कुछ तो गवर्नमेंट, सड़क भी और ये जो सीवर लाइन क्यों खिंचवाया गया ये बताइए आप। कुछ गवर्नमेंट ने दिया है, मकान नंबर मेरा दिया है, मकान नंबर गवर्नमेंट ने अलाट किया है, क्यों किया अलाट? अगर अलाट किया तो बिजली का बिल मुझसे ले रही है, होम टैक्स ले रही है, होम टैक्स ले रही है, पानी का टैक्स ले रही है, क्या है मतलब? ये अवैध है, अगर अवैध है तो मेरा घर भी अवैध हो गया। बिल्कुल, देखिए वही सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार की भी कार्यप्रणाली पर, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर टैक्स लिया गया वो वैध है, LDA के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, नगर निगम के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, बिजली का बिल, ये सभी चीज़ें वैध हैं, लेकिन यहाँ पर जो मकान बने हैं उन पर लाल निशान क्यों? अकबर नगर को जमींदोज कर दिया गया, पूरे देश भर ने तस्वीरें देखी रोते बिलखते लोगों की। अब यहाँ पर रहीम नगर में हमारी मौजूदगी थी, पंत नगर में इस समय मौके पर मौजूद हैं, पंत नगर के लोगों से हमारी बात हो रही, क्लियर कट बोल रहे हैं कि हमारे जो आशियाने उनको ना तोड़ा जाए, हमें बख्श दिया जाए। कागज़ आप देख रहे यहाँ पर हाथ में लिए हुए, इनकी पक्की रजिस्ट्रियां हैं। चाचा रजिस्ट्री हाथ में लिए हैं, मन में क्या आता है जब लाल निशान जब लग जाता है तो? भैया क्या कहेंगे? बहुत दर्द होता है जब लग जाता है एकदम, सब बंद है, बच्चों तक रोते हैं रात दिन। देखिए इमोशनल हो गए हैं, आंखों में आंसू तक आ जाते हैं लोगों के, 40 साल अपनी ज़िंदगी के बिता देने के बाद अचानक से फरमान जारी होता है प्रशासन का कि अब ये सभी मकान तोड़े जाएंगे। सभी इमोशनल हैं, लगभग 3 जनरेशन सबकी यहां पर रह चुकी है, और उसके बाद इस तरीके का फरमान सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पर मकानों को तोड़ा जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे मकानों को बख्श दिया जाए और तोड़ा ना जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होता है, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं सतेज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।